बिल्कुल हकीकत यही है, जैसा कि आपने देखा ऐसा ही है, ना पुल है, ना यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पे फुटपाथ है। हालांकि अगर बात करें हमारी बिजली महकमे की, तो यहाँ पे हमें तार जला के देखना पड़ता है कि हमारा लंप कहाँ पे है इस ज़माने में। हालांकि यहाँ ना हम यहाँ पे जनाब वेली कोई हीटर नहीं, कोई चीज़ ना टीवी नहीं है, सिर्फ सिंपल से मोबाइल है, वो चार्ज करते वो भी नहीं हो रहे। और दूसरी बात यह कि इस तरक्की के दौर में भी अब तक हमें पुल नहीं मिला है, ना हमें रोड मिली है, ना हमें फुटपाथ कहीं मिला है, ना हमें सोलर लाइट मिली है। हमें यही कहा गया कि भाई 14 FC है, 15 FC है, वो FC है, ना 15 है, ना 14 है, कोई भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई आता है। जब भी इलेक्शन होते थे हमारे DDC साहब जब आए, तो तब उन्होंने कहा था कि हम आपको पुल दे देंगे, लेकिन वो इलेक्शन जीत के चले गए, तब से यहाँ पे कभी आए भी नहीं कि इन लोगों का क्या हाल है। ये देखिए कि आप इतना कितना मुश्किल हो रहा है, पानी की आप समस्या देखो, टूटे फूटे नल से हम पानी ले आ रहे हैं, तो वो भी दिन को खुद जा, कोई मुलाजमीन नहीं है यहाँ पे, वो खुद जाके हम जोड़ तोड़ के ले आते हैं, तो अपना गुजारा उसी पे करते, वही चारवाई भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। दूसरी बात यह कि जैसे आज इस तरक्की में हर जगह डिस्पेंसरी सेंटर हैं और आंगनवाड़ी सेंटर हैं, इस हमारे मोहल्ले में कुछ भी नहीं है जनाब वेली, जो है सो है, 1947 का जो है वैसा ही है जैसा 1947 में था, मुझे लगता कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ इतना चेंज हुआ है कि कागजू में तकरीबन 100% काम शायद होता ही होगा, तो वो आगे दिखाते होंगे, बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ हमारे इस दौरान में भी। हालांकि कहा जाता है कि जनाब वेली BJP हुकूमत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है। अगर होता है तो कहीं उनका ही होगा जिनका असर रसूख है, तो भोले भाले सीधे साधे लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा है। लिहाजा हम आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं, DC साहब से भी, उनको कितनी बार हमने एप्लीकेशन भी डाले हैं पुल के लिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ है, और LG साहब से भी और तमाम इंतजामिया से कि हमारी तरफ ही ध्यान दें। तो बहुत ही मुश्किल होता है हमें कंधों पर उठा के, या तो इस नाले से क्रॉस करना पड़ता है 5-10 आदमी मिल के, या तो फिर इस ऊपर जंगलात की तरफ से एक टूरिस्ट रोड जा रहा है उसके लिए चारपाई को उठा के ले जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल है, वो भी आजकल तो बर्फ़ में बिल्कुल ही हमारा जीना ही हराम होता है, तो तब हमें बनपुर तक यहाँ से उठा के ले जाना पड़ता है अगर रोड थ्रू में। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, लिव द ड्रीम।